प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की। उत्तर प्रदेश में सातवें चरण के मतदान से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कबीर चौरा मठ में अपना डेरा डाल दिया है। इसके जरिए वो कबीर को मानने वाले दलितों और अति पिछड़ी जातियों में राजनीतिक संदेश देना चाहती है। बता दें, प्रियंका गांधी शुक्रवार को वाराणसी के कबीर चौरा मठ पहुंची। वो यहां अगले 3 दिन तक रहेंगी। प्रियंका गांधी ने कबीरदास की मूल गाड़ी में दर्शन भी किया। इस मौके पर महंत ने कबीरदास की यादें साझा की। माना जाता है कि वाराणसी के कबीर चौरा मठ को 3 दिन के लिए अपना अस्थायी घर बनाकर प्रियंका गांधी ने बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। उत्तर प्रदेश के दलित और अति पिछड़ा वर्ग संत कबीरदास के सामाजिक न्याय और समानता के संदेश से बहुत जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि प्रियंका ने कबीर के जरिए दलितों को साधने की कोशिश की है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, 3 दिन के लिए डेरा डाल लिया है कबीर के मठ में और 3 दिन तक यहीं रहेंगी। एक बड़ा संदेश देने की फिराक में है प्रियंका। उत्तर प्रदेश में अगर बात करी जाए पूर्वांचल की, तो इस सातवें चरण में सबसे ज्यादा वोटर दलित और ओबीसी है और उत्तर प्रदेश के दलित और अति पिछड़ा वर्ग संत कबीरदास के सामाजिक न्याय और समानता के संदेश से बहुत जुड़े हुए हैं और इन्हीं लोगों को साधने के लिए प्रियंका ने अब ये कदम उठाया है। यही वजह है कि प्रियंका ने कबीर के जरिए दलितों को साधने की कोशिश की है। 3 दिन तक जो डेरा डाला है कबीर के अनुयायियों को, उनके मानने वालों को कहीं ना कहीं कांग्रेस से जोड़ने की कोशिश करती हुई प्रियंका नजर आ रही हैं। सातवें चरण का निर्णायक मतदान होना है, 7 मार्च को होना है और इसी के लिए सभी दल अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। दलित वोटरों को साधने की रणनीति बनाते हुए नजर आ रही हैं प्रियंका। बनारस में यूं तो सभी बड़े चेहरे रहेंगे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, प्रियंका हो या फिर बाकी अन्य लोग हो, तो सभी दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं सभी वर्गों को मनाने के लिए, अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए और इस यूपी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए पूरी ताकत झोंकी जा रही है। वहीं प्रियंका का ये कदम कितना सही साबित होता है और मतदाता कितने प्रभावित होते हैं, ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा कि आखिर बनारस की जनता प्रियंका का कितना साथ देती है और कितना प्रतिशत वोट बैंक प्रियंका के इस कदम के साथ जाता है। हालांकि बात करी जाए पीएम मोदी की, तो उनके साथ भी जन सैलाब उमड़ा। अभी हमने देखा कि रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे थे और उनके साथ अच्छी खासी संख्या में लोगों का जन सैलाब उमड़ा। वो भले ही उनको देखने के लिए हो, लेकिन जिस तरह से लोग जयकार नारे लगा रहे थे और जय श्री राम के जयकारे लगा रहे थे, ये सीधे तौर पर बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितना उनको जनता से प्यार मिल रहा है, कहीं ना कहीं बाकी दलों के लिए बनारस में मुश्किल जरूर हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करी जाए वोटरों की, तो वोटर कभी भी इस बात का खुलासा नहीं करते हैं कि वो किसकी तरफ है, जनता का रुझान किधर है। हालांकि सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है कि जिस तरह से जातिगत समीकरण है, जितने भी जाति अलग अलग जातियों के मतदाता हैं, तो उनका वोट किधर जा रहा है, किस आधार पर जा रहा है, कौन कौन से मुद्दे हैं, लेकिन सीधे तौर पर ये कहना काफी मुश्किल है। तो बड़ी पहल देखने को मिल रही है प्रियंका की तरफ से। उत्तर प्रदेश में सातवें चरण के मतदान से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कबीर चौरा मठ में अपना डेरा डाल दिया है। 1 दिन के लिए नहीं बल्कि वो 3 दिन के लिए कबीर मठ में रहेंगी। इसके जरिए वो कबीर को मानने वाले दलितों और अति पिछड़ी जातियों में राजनीतिक संदेश देना चाहती है। ऐसा माना जाता है कि जो भी इन दो समुदायों पर अपनी राजनीति का कब्जा जमा लेता है, उसको उत्तर प्रदेश में काफी मदद मिलती है सत्ता पाने में और इसी के लिए पूरी कोशिश में सभी दल लगे हुए हैं। अगर 2017 की बात करी जाए तो ये करिश्मा बीजेपी ने करके दिखाया था, बीजेपी को जीत मिली थी और इस बार जिस तरह से कई मुद्दे उठ के आए हैं, कई वोटर्स के अपने अपनी परेशानियां समस्याएं हैं, कई मुद्दे रहे हैं, उनको देखते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए इस बार कठिनाई तो होगी, लेकिन जिस तरह से बाकी दलों के लिए भी कठिनाई कम नहीं होगी, कुछ आसान नहीं है इस बार की परिस्थिति और इस बार के समीकरण, क्योंकि इस बार की परिस्थितियां अलग रही हैं। इस बार कोरोना भी रहा है, किसानों का मुद्दा भी रहा है, किसानों की परेशानियां भी हैं, विकास के मुद्दों पर भी लोगों का ध्यान है और जिस तरह से 5 साल में विधायकों ने काम किया है उनके ऊपर भी काफी बड़ी जिम्मेदारी है इस बार अपनी साख बचाने की।
और जिस तरह से ये राजनीति देखने को मिल रही, कई सवाल उठते हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़े हुए हैं। विभांशु, ये नया तरीका अपनाती हुई नजर आ रही है प्रियंका गांधी, जिस तरह से दलितों और पिछड़े वर्ग को साधने की जो कोशिश है, 3 दिन तक डेरा जमा लिया है वाराणसी में कबीर मठ में, इसका कितना प्रभाव पड़ सकता है? जी शिखा, अगर बात करें तो प्रियंका गांधी 2 मार्च से वाराणसी के अंदर में मौजूद है और इस दौरान वो कबीर मठ में अपना डेरा जमाई हुई है। वहीं साथ ही साथ वो तमाम ऐसे बुनकर और जो भी नामचीन चेहरे हैं उनसे जाकर समस्याओं को जानकर और उनको निजात दिलाने का भरसक एक प्रयास कर रही है। इससे साफ तौर से कह सकते हैं कि कबीर मठ से वो दलित वोटर्स को, जो की काफी संख्या में जो सातवें चरण का मतदान है उसमें काफी अच्छे खासे संख्या में दलित वोटर है, उसको साधने का भरसक प्रयास किया जा रहा है प्रियंका गांधी की तरफ से। वहीं आपको बता दें कि पिंडारा के फूलपुर में अजय राय, जो कि 5 बार से कांग्रेस के विधायक रहे हैं, 2017 में वो हार गए थे बीजेपी से, उनके लिए भी राहुल गांधी समेत प्रियंका गांधी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत तमाम लोग पहुंचकर और उनके लिए जनाधार को पैदा करने का काम कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी होता है क्या। जी सिखा जी, विभाषु जिस तरह से 3 दिन के लिए बनारस में ही रहेंगे, कल के लिए क्या कुछ कार्यक्रम है, क्योंकि कल प्रचार प्रसार थम जाएगा सातवें चरण का, तो कल प्रियंका गांधी के क्या कुछ कार्यक्रम निर्धारित है? जी, अगर बात प्रियंका गांधी का 9 जिलों की लगभग 53 सीटों पर मतदान होना है सातवें चरण में जी। तो इससे जुड़ी हुई जो सीटें हैं, बात की जाए बनारस के पास मऊ की बात की जाए या गाजीपुर की बात की जाए या पास में सटे आजमगढ़ की बात की जाए, तो इन सब जगहों पे भी जाने का उनका प्लान हो सकता है। और साथ ही साथ अगर देखें तो सातवें चरण को लेकर जहां सभी पार्टियां तैयार है, वहीं कांग्रेस की तरफ से हर एक मुमकिन प्रयास को किया जा रहा है। वहीं आज पिंडारा के फूलपुर में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मगरमच्छ से लड़े हैं, मगर वो जब गंगा में डुबकी लगा रहे थे तो तैरते क्यों नहीं। और उन्होंने शिक्षा, रोजगार और साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया कि 15 लाख रुपए हम मांगते नहीं है, मगर आप जो बोले हैं वो करके दिखाएं और शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के क्षेत्रों में काम करके दिखाएं। और उनकी तरफ से साफ तौर पर BSP को भी निशाना साधा गया। तो इससे साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो कबीर मठ में उनका अभी उनका डेरा जमा हुआ है, तो BSP को आज के रैली में BSP को निशाने पे साध कर बताना कि BSP BJP की बी टीम है। इस साफ तौर पे दलित वोट बैंक को अपने तरफ खींचने का मुमकिन प्रयास कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। और वही अगर बात करें तो 9 चरणों में अगर दलित वोट बैंक की बात की जाए तो अच्छे खासे संख्या में दलित वोटर हैं, जिसकी लड़ाई अगर बात की जाए तो बसपा सबसे ऊपर देखी जा रही है, लेकिन कांग्रेस भी उस वोटर्स को, उन जाति विशेष को खींचने के लिए हर एक मुमकिन प्रयास को कर रही है। वही प्रधानमंत्री भी बनारस के अंदर में पहुंच गए हैं, वहां रोड शो कर रहे हैं और वही आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया है। जी जी विभाषु, जिस तरह से संसदीय क्षेत्र है पीएम मोदी का, तो पीएम के चेहरे पर कहीं ना कहीं वोट पड़ते नजर आएंगे, लेकिन सपा बसपा कांग्रेस तीनों कहां नजर आ रही है, क्या टक्कर दे पा रही है बनारस में? जी अगर बात करें तो पिछले चुनाव की तो प्रधानमंत्री के चेहरे पे खास तौर पे चुनाव हुआ था, क्योंकि मुख्यमंत्री के चेहरा रख के भाजपा की तरफ से चुनाव नहीं लड़ा गया था। तो इस बार के चुनाव में प्रधानमंत्री को खुद रोड शो के माध्यम से लोगों को अपने तरफ करने का प्रयास किया जा रहा है। साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के चेहरे पे बनारस के अंदर में चुनाव लड़ा जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि ऐसे कई सारी सीटों पे जो वहां के महंत और जो पुराने विधायक है उनको सपा और कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है, जिसको लेकर डैमेज कंट्रोल जो BJP के वो काफी चिंतित रहे। डैमेज कंट्रोल करने के लिए प्रधानमंत्री के आज के रोड शो को रखा गया, जिसमें खास तौर पे आप देख सकते हैं अच्छी खासी संख्या में भीड़ है। अब आने वाले 10 मार्च को इस नतीजे से पता चलेगा कि इन वैल्यू का क्या प्रभाव पड़ा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विभांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, 6 चरण के चुनाव पूरे हो चुके हैं और 7वें चरण के लिए सभी दिग्गज मैदान में उतर चुके हैं और अपने अपने तरीके से वोटरों को लुभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में आखिरी चरण के लिए 7 मार्च को मतदान होना है, लेकिन इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा अगर BJP को बाहर रखने के लिए आम आदमी पार्टी की जरूरत पड़ी तो वो सपा के साथ हाथ मिला सकते हैं। संजय सिंह ने कहा पंजाब में हमारी सरकार बन रही है, उत्तराखंड और गोवा में भी सकारात्मक परिणाम आएंगे, आपकी राजनीति लोगों तक पहुंच रही है, ये धारा के विपरीत काम है,
पर हो जाएगा। उन्होंने कहा आप यूपी में पकड़ बना रही है, लोग अब विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं, यूपी को पॉलिटिक्स से ऊपर उठना होगा। तो कास्ट पॉलिटिक्स से ऊपर उठने की बात कही गई है। होना अभी बाकी है, 6 चरण के मतदान हो गए, लेकिन इससे सीधा पहले ये जो बयान सामने आया है ये कई सवाल उठा रहा है। क्या अगर सपा के पास सीटें कम होती हैं तो वो आम आदमी के पास साथ गठबंधन कर सकते हैं? जिस तरह का ये बयान सामने आया है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के साथ इस तरह की पहले भी बातें सामने आई थी कि कहीं ना कहीं गठबंधन हो सकता है आम आदमी के साथ, लेकिन चुनाव से पहले ऐसा संभव नहीं हो पाया। लेकिन अगर सीटें कम पड़ती हैं तो क्या गठबंधन किया जा सकता है? बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन वाली राजनीति क्या काम करेगी, कारगर साबित होगी? कई ऐसे बड़े सवाल हैं और सीधे तौर पर भी साफ होता नजर आ रहा है कि बीजेपी को हराने के लिए एक बार फिर सारे दल एकजुट होते नजर आ रहे हैं। हालांकि यूपी की राजनीति को देखते हुए छोटे दलों के साथ बीजेपी और सपा दोनों ने ही गठबंधन किया है, लेकिन अब इसमें आम आदमी पार्टी भी एक अहम भूमिका निभाती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का दबदबा उत्तर प्रदेश में कम देखने को मिल रहा है, हालांकि उत्तराखंड की बात करी जाए तो वहां पे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने अपनी पकड़ बनाई है, लेकिन नई पार्टी होने की वजह से जनता इतना विश्वास नहीं जता पा रही है। सिर्फ विश्वास उन्हीं लोगों के मन में है जिन्होंने दिल्ली का मॉडल देखा, समझा और जाना है। तो ऐसे में क्या उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ बना पाएगी आम आदमी पार्टी, ये कहना मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से गठबंधन की बात कही है तो ये साफ तौर पे नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं गठबंधन के साथ उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, ये जो बयान सामने आया है संजय का, तो क्या लगता है कि सीटें पूरी करने के लिए, सपा को जिताने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन संभव होगा आम आदमी पार्टी और सपा का? देखिए, आम आदमी पार्टी शुरुआत से उत्तर प्रदेश संगठन मजबूत कर रही थी लगातार। अगर बात करूं तो 2012 से आम आदमी पार्टी के जब दिल्ली में लगातार संगठन मजबूत है, उसके साथ ही 13 में भी आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपना गठबंधन को मजबूत करना शुरू कर दिया था और लगातार प्रयास किए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी को सही गठबंधन है मजबूत स्थिति में आए। हालांकि उस समय कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा था, पर जनता के बीच में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, नेतृत्व लगातार जा रहे थे और साथ ही साथ ये बता रहे थे आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में बेहतर विकल्प हो सकती है। मैं शिखा दास को बता दूं, आम आदमी पार्टी गठबंधन में शुरुआत हुई थी, उस गठबंधन की शुरुआत के बाद से, शुरुआती अगर हम चरणों की बात छोड़ दें तो अभी हाल में जो नगर पंचायत चुनाव हुए थे उसमें भी आम आदमी पार्टी को ठीक ठाक जो लोग हैं उनके जीत कर आए थे। तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में सक्रिय रूप से बढ़ रही है और संगठन का लगातार मजबूत हो रहा है जी। और इससे पहले भी कयास लगाए जा रहे थे दोनों के गठबंधन के, लेकिन जो बातचीत हुई थी उसके बाद ही कयास लगाने शुरू हुए थे। अखिलेश और संजय ने बात करी थी, उसके वजह से शिष्टाचार भेंट बता दिया गया था, लेकिन एक बार फिर ये बातें तेज हो गई है, तूल पकड़ती जा रही है। तो क्या कहेंगे, क्या उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी अपनी जमीन तलाशने के लिए ये कदम उठा सकती है? देखिए, आम आदमी पार्टी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने संगठन को मजबूत कर रही थी, लगातार बता रही थी कैसे क्या काम कर रहा है। और उसके पहले 24 नवंबर 2021 को आम आदमी पार्टी के जसवा सांसद संजय सिंह, जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी है, उनकी अखिलेश यादव की मुलाकात की थी। हालांकि उन्होंने कहा था शिष्टाचार मुलाकात है, पर मुलाकात के मायने लगाए जा रहे थे कि गठबंधन आम आदमी पार्टी कर सकती हो, ऐसी बात भी की गई थी। ट्वीट के माध्यम से ऐसा कहा भी गया था कि गठबंधन हो सकता है, पर शायद वहां पर गठबंधन की बातों पर सहमति नहीं बनी या सीटों पर सहमति नहीं बनी और आम आदमी पार्टी ने बाद में आखिर में एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि हम उत्तर प्रदेश की सभी 4-3 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद चुनाव लड़ रही है, अब 6 चरण हो चुके हैं, 7वें चरण का चुनाव बाकी है, 7 तारीख को चुनाव होना है। और उसके पहले ही राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा है कि सरकार से यानी सत्ता से बीजेपी को बाहर रखने के लिए वो सपा यानी अखिलेश यादव का साथ दे सकते हैं। और निश्चित रूप से क्योंकि देखा जा रहा है कि लड़ाई मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश चुनाव की लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में ही है, तो निश्चित रूप से सपा राज्यसभा के सांसद आपके संजय सिंह का ये बयान निश्चित रूप से बहुत सकारात्मक रहा है। उन्होंने कहा है क्योंकि 24 नवंबर को उनकी मुलाकात हुई तभी उन्होंने बयान दिया था गठबंधन कर सकते हैं, और अभी उन्होंने बयान दिया है कल कि हम उनके साथ जा सकते हैं बीजेपी को सत्ता से अलग रखने के लिए। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बातचीत चल रही होगी, अटकलें तेज हो गई है कि अगर हमारी पार्टी को पूरा मैंडेट नहीं मिलता है तो आम आदमी पार्टी सपा का समर्थन कर सकती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़े थे।
तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में गठबंधन वाली राजनीति देखने को मिल रही है। फ्री वाली राजनीति तो चली रही थी, दिल्ली मॉडल को सभी दल अपनाते हुए नजर आ रहे थे। फ्री बिजली और कई फ्री की सुविधाएं देने की बात कही जा रही थी, और अब गठबंधन की बात भी सामने आई है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के मॉडल पर राजनीति देखने को मिल रही है। रुक करते अगली खबर की तरफ। मऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के बोल बिगड़े हैं, जिसका वीडियो भी अब वायरल तेजी से हो रहा है। वायरल वीडियो में अब्बास अंसारी कहते दिख रहे हैं कि 6 महीने तक अधिकारियों का कोई ट्रांसफर नहीं होगा, पहले सबका हिसाब किताब होगा। इस वीडियो के वायरल होने पर पुलिस ने इसका संज्ञान लिया है और मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी। भैया जो यहां है वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी। भैया जो यहां है वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। तो आपने सुना किस तरह से सीधे तौर पे एक चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 6 महीने तक किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं होगा, पहले सबका हिसाब किताब होगा, जो यहाँ है वो यहीं रहेगा। तो सीधे तौर पे इनके लफ्जों में चेतावनी नजर आ रही है। जिस तरह से कानून व्यवस्था सख्त होती नजर आई है बाहुबलियों पे, अपराधियों पे, तो कहीं ना कहीं इसका गुस्सा देखने को मिल रहा है। और कहना ये साफ है कि हमारी सरकार आती है तो सबसे पहले अधिकारियों को हिसाब किताब देना होगा, सबका हिसाब किताब होगा। ऑडियो सुनते हुए सुनिए आपने, तो कहीं ना कहीं अभी भी वही दबदबा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वही अपना डर कायम करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं अब्बास अंसारी। बोल बिगड़े हैं, जिसके बाद इसको पुलिस ने संज्ञान में भी लिया है, मुकदमा दर्ज कर लिया है। जहां कानून का शिकंजा लगातार कसता नजर आया है मुख्तार अंसारी पर, बाहुबली है और कई संपत्तियां सीज की गई हैं, कुर्क करी गई हैं, पुलिस प्रशासन का लगातार डंडा चला है, सीएम योगी का डंडा चला है मुख्तार अंसारी पर, और अब उनके बेटे अब्बास अंसारी के बोल भी बिगड़े हैं। कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी की राह पर ही चलते हुए नजर आ रहे हैं अब्बास अंसारी। कानून का कोई डर नहीं है, सीधे तौर पे खुले मंच से चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये वीडियो भी वायरल हो गया है और इसमें सुना जा सकता है किस तरह से वो कह रहे हैं कि 6 महीने तक किसी अधिकारी का कोई ट्रांसफर नहीं होगा, सबका हिसाब किताब होगा। तो इस धमकी का कहीं ना कहीं संज्ञान लिया गया है, मुकदमा भी दर्ज किया गया है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि कानून व्यवस्था इतनी सख्त होने के बाद भी, अपराधियों पे जो इतना सख्ती बरती गई है उसके बाद भी अपराधियों में कहीं ना कहीं खौफ नहीं है, उनको इस बात का डर नहीं है कि अगर उन पे कोई एक्शन भी हो सकता है इस विवादित बयान के बाद, उनके ऊपर क्या एक्शन लिया जा सकता है अधिकारियों द्वारा, प्रशासन द्वारा, लेकिन वो खुले मंच से इस बात को बिना डरे कहते हुए नजर आ रहे हैं। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए मऊ से संवाददाता कमलेश जुड़ चुके हैं। कमलेश, जिस तरह का ये बयान सामने आया है, तो जो ये दबदबा अभी तक देखने को मिला है, हालांकि सरकार का काफी डंडा भी चला है, संपत्तियां कुर्क की गई है, लेकिन कोई डर नजर नहीं आ रहा है अब्बास अंसारी में, क्या कहेंगे? हम अपने भैया से मिल कर आए हैं, 6 महीना तक किसी की पोस्टिंग और किसी के ट्रांसफर नहीं होगा और एक एक चीज का हम हिसाब करेंगे। जी, आखिर कहना क्या चाह रहे हैं अब्बास अंसारी? अब्बास अंसारी कहना ये चाह रहे हैं कि जो उनकी संपत्तियां अब तक कुरुक हुई हैं, उन्हीं को लेकर उन्होंने कहा कि जितना हमें सताया गया है उतना हम एक एक अधिकारियों से हम हिसाब लेंगे।
जी, तो क्या सीधे तौर पे उन अधिकारियों के ऊपर गाज गिरेगी सत्ता में आने के बाद अब्बास अंसारी के, जिस तरह से उनकी संपत्तियां कुर्क हुई है तो कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जाएगा, क्या ये कहना चाह रहे हैं? जी जी हाँ, हम प्रशासन से अपना हिसाब लेंगे। जी, ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान भी लिया है और मुकदमा भी दर्ज किया गया है, कौन कौन सी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है? उनको आचार संहिता का उल्लंघन में मुकदमा एसपी द्वारा उनका मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ मऊ से संवाददाता कमलेश जुड़े थे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। खबर फरुखाबाद से है जहां जहरीली शराब का कहर बरप रहा है। जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई है जिससे मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया। मामला मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव अहमलापुर का बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस अधीक्षक और डीएम पहुंचे और जांच में जुटे। फिर जहरीली शराब का कहर देखने को मिल रहा है फरुखाबाद से, ये खबर सामने आ रही है। फरुखाबाद के मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव अहमलापुर का ये बताया जा रहा है मामला, जहां पे जहरीली शराब पीने से व्यक्ति की मौत हो गई जिसके बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा है और आगे की जांच में जुट गई है। तो लगातार प्रशासन द्वारा जहरीली शराब बनाने वालों पे और जहरीली शराब के ऊपर शिकंजा कसता नजर आता है, लहन को नष्ट किया जाता है। कारोबारियों पर भी, ऐसे जहरीली शराब के विक्रेताओं पर भी लगातार पुलिस प्रशासन सख्त नजर आती है, लेकिन कहीं ना कहीं धड़ल्ले से अभी भी जहरीली शराब का कारोबार चल रहा है और ऐसे कारोबारियों में कोई प्रशासन का डर नहीं है। बेधड़क लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते नजर आते हैं और एक बार फिर फरुखाबाद से ये मामला सामने आया है जहरीली शराब का, जहां पे इस जहरीली शराब को पीने के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई है। तो जहर बेचते डरते नहीं है ये अपराधी, जहरीली शराब का जो ये खुला काला कारोबार करते हैं, इन पे लगातार पुलिस अपना शिकंजा कसने की कोशिश करती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बचते हुए नजर आते हैं और एक के बाद एक फरार हो जाते हैं। जब भी पुलिस द्वारा छापा मारा जाता है तो फरार हो जाते हैं ये अपराधी, फिर दूसरी जगह अपना ठिकाना बनाते हैं, जहरीली शराब का व्यापार फिर से चलाते हैं और कोई डर नहीं होता है। हालांकि लगातार चुनाव के वक्त भी ऐसा देखा गया कि कई जगह पे छापेमारी की गई, बड़ी मात्रा में लहन को, शराब के सामान को नष्ट किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी इस पर रोकथाम कहीं नजर नहीं आ रही है। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता सुंदरम जुड़ चुके हैं फरुखाबाद से। सुंदरम, कहां की घटना बताई जा रही है जहां पे व्यक्ति जहरीली शराब से मरा? जी, मैं बताना चाहूंगा, फरुखाबाद के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम अहमलापुर की घटना है, जहां पर 3 युवक जो कि आलू पार्टी कर रहे थे और इंपीरियल ब्लू शराब पीने के बाद उनकी मौत हो जाती है। और कहीं ना कहीं बताना चाहूंगा कि इस तरह की घटनाएं पहले भी होती रही हैं और यहां पे कहीं ना कहीं लगाम नहीं लग पा रही। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो लोग थे कि कोतवाली मोहम्मदाबाद के अहमलापुर में 55 वर्षीय जितेंद्र सिंह, 27 वर्षीय मोनू सिंह व कन्नौज के छिबरामऊ गीतापुरम कॉलोनी निवासी 52 वर्षीय ओमवीर सिंह, ये लोग मोहम्मदाबाद क्षेत्र में अपने गांव में आलू की पार्टी कर रहे थे, उसी दौरान शराब भी पी रहे थे और शराब पीने के दौरान ही इनकी वहां पर तबीयत बिगड़ती है और इनको प्राथमिक सामुदायिक केंद्र पे ले जाए, जहां पर इनकी हालत को बिगड़ने पर वहां पर भर्ती कराया जाता है। 2 लोगों की मृत्यु इलाज के दौरान होती है व 1 व्यक्ति की मृत्यु हॉस्पिटल के गेट पर ही हो जाती है। मामले की जब जानकारी वहां पर आला अधिकारियों को लगती है तो देर शाम ही पुलिस अधीक्षक व डीएम मौके पर पहुंचते हैं। जी सुंदरम, क्या और भी व्यक्तियों की जहरीली शराब की वजह से तबीयत खराब हुई है या मौत हुई है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये कुल 4 लोग थे, लेकिन एक युवक वहां पर आलू पार्टी के लिए कुछ सामान लेने चला गया तो उसने शराब नहीं पी पाया तो वह बच गया, लेकिन जो 3 युवकों ने जो शराब पी थी उनकी मौके पर मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद परिवार में कोहराम मचता है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, इस घटना को ध्यान में रखते हुए देर रात ही एडीजी जोन व कानपुर कमिश्नर भी मौके पर पहुंचते हैं, देर रात पीड़ितों से मुलाकात करते हैं। साथ ही साथ जिले भर में जो शराब इंपीरियल ब्लू थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है और मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा, कन्नौज जिले में भी इंपीरियल ब्लू शराब पर प्रतिबंध लगाया जाता है। जिले भर की शराब दुकानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जाता है और जिले भर में बताना चाहूंगा कि विभिन्न थाना क्षेत्र के अंग्रेजी शराब की दुकानों पर सैंपलिंग भी की जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता सुंदरम जुड़े थे फरुखाबाद से। तो लगातार सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है, इसके बाद भी कहीं ना कहीं ऐसे अपराधियों के हौसले बुलंद है।
छुप के इस जहरीले कारोबार को करते नजर आते रहते हैं ऐसे अपराधी। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।